Hello dear students, welcome back. Today we are with another topic. Today's topic is alternative mechanism of carbon fixation to avoid photorespiration. आज हम alternative mode of CO2 fixation पढ़ेंगे. कल हमने पढ़ा था कि रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो अपना बिहेवियर चेंज करता रहता है. अगर लीफ के अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाता है, इट स्टार्ट हेडिंग CO2 टू रुबिस्को टू RUBP एंड दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन फोटोसिंथेसिस C3 साइकिल. मगर जब लीफ के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है तो जब वो रुबिस्को ऑक्सीजन को ऐड करना शुरू करता है रेगुलोज बिस्फॉस्फेट से तो एक वेस्टफुल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है फोटोरेस्पिरेशन. नाउ व्हाट इज फोटोरेस्पिरेशन? Photorespiration is a process that occurs in plants where oxygen is added to ribulose bisphosphate instead of carbon dioxide. अगर रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन एड करता है रेबुलोज बिस्फॉस्फेट से तो एक वेस्टफुल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है फोटोरेस्पिरेशन. आज हम कुछ ऐसे प्लांट्स पढ़ेंगे C4 प्लांट्स और K प्लांट्स जिन्होंने अपने लीफ की एनाटॉमी भी चेंज की है और फिजियोलॉजी भी चेंज की है ताकि वो फोटोरेस्पिरेशन के प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकें. मगर सबसे पहले C3 प्लांट्स के बारे में कि उनके लिए ये प्रॉब्लम है. दिस अकर्स व्हेन प्लांट्स C3 प्लांट्स पार्शियली क्लोज देयर स्टोमेटा टू रिड्यूस वाटर लॉस एंड ऑक्सीजन लेवल्स इन द मेसोफिल सेल्स आर वेरी हाई and low level of carbon dioxide. अगर C3 plants अपने water loss को कम करने के लिए stomata partially close करते हैं तो फिर उनमें एक wasteful process start हो जाता है photorespiration. और C4 plants ऐसे plants हैं जिन्होंने ये problem avoid किया है अपनी leaf की anatomy को चेंज करके और लीफ की फिजियोलॉजी को चेंज करके. C4 प्लांट्स अवॉइड फोटोरेस्पिरेशन बाय लोकेटिंग रुबिस्को एंजाइम इनटू द बंडल शीट सेल. C4 प्लांट्स के मेसोफिल सेल्स में रुबिस्को नहीं होता, उसकी जगह उन्होंने एक अल्टरनेट एंजाइम रखा हुआ है PEP कार्बोक्सिलेज. तो पहले वो PEP कार्बोक्सिलेज के जरिए एक 4 कार्बोनिक कंपाउंड बनाते हैं ऑक्सेलोएसीटेट, फिर उसको पंप करते हैं बंडल शीट सेल के अंदर और वहां पे दूसरी मर्तबा C3 साइकिल यानी कार्बन की फिक्सेशन दूसरी मर्तबा होती है. C4 प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट देन C3. C4 प्लांट्स आर चैंपियंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्योंकि वो फोटोरेस्पिरेशन को अवॉइड करते हैं एक अल्टरनेटिव मोड से C4 फिक्सेशन जो आज हमको पढ़ना है. अब देखें, आप लीफ एनाटॉमी को देखें, दिस इज लीफ एनाटॉमी ऑफ C3 प्लांट्स एंड दिस इज लीफ एनाटॉमी ऑफ C4 प्लांट्स. लुक एट द रुबिस्को, आप एनाटॉमी को कंपेयर कर रहे हैं. दिस इज द leaf anatomy of C3 plants, wheat and rice, and this is the leaf anatomy of C4 plants like sugarcane and corn. Now look at the mesophyll cells of C3 plants. Here the rubisco is located. And look at the mesophyll cells of C4 plants. There is no rubisco. Rubisco is only found in the bundle sheath cell. यहाँ पे उनको एक advantage है leaf anatomy में. उन्होंने यहां पे एक अलग एंजाइम रखा हुआ है PEP कार्बोक्सिलेज. तो C3 प्लांट्स के मेसोफिल सेल्स में कार्बन की फिक्सेशन के लिए रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है, मगर C4 प्लांट्स के मेसोफिल सेल्स में रुबिस्को की जगह पे PEP कार्बोक्सिलेज पाया जाता है. सो फर्स्ट एंजाइम, इनिशियल एंजाइम फॉर कार्बोक्सिलेशन इज डिफरेंट इन C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स. अब देखें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इन होगा किस प्लांट में? C3 प्लांट्स में,
तो रुबिस्को कार्बोक्सिलेज भी करता है और उसके साथ साथ ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी करता है. इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड द रुबिस्को एंजाइम विल एड दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू RuBP. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी एंड दिस रिजल्ट्स इन फोटोसिंथेसिस C3 साइकिल. बट इफ ऑक्सीजन इज एडेड द रुबिस्को विल एड दिस oxygen to RuBP and this activity is called oxygenase, results in wasteful process photorespiration. तो C3 plants के mesophyll cells में rubisco पाया जाता है जो carbon dioxide को भी fix करता है और oxygen को भी fix करता है. और जब oxygen को fix करता है ribulose bisphosphate से तो एक wasteful process start हो जाता है photorespiration. मगर देखिए C4 plants को, when the carbon dioxide enters the mesophyll cells, here there is the alternative enzyme known as PEP carboxylate. It will react to carboxylase. It will react to carbon dioxide and acts as carboxylase. Magar jab isi mesophyll cell mein oxygen enter hoga, the PEP carboxylase does not react. To dekhen, इन्होंने थोड़ा अपने एनाटॉमी को भी चेंज किया और फिजियोलॉजी को भी चेंज किया. ठीक, तो यहां पे उन्होंने अल्टरनेटिव एंजाइम रखा हुआ है PEP कार्बोक्सिलेज जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा. दिस इज द रीजन फोटोरेस्पिरेशन डज नॉट अकर्स इन C4 प्लांट्स. उसके बाद यहां पे वो एक C4 कंपाउंड बनाएंगे ऑक्सलोसिटेट और उसको पंप करेंगे इनर सेल में बंडल शी सेल. देन द कार्बन डाइऑक्साइड इज पंप्ड हियर एंड यू सी हियर देयर इज अ रुबिस्को और यहां पे दूसरी मर्तबा CO2 की फिक्सेशन होगी जिसकी वजह से यहां पे लिखा गया है C3 प्लांट्स कार्बोक्सिलेशन ओनली वंस इन मेसोफिल सेल्स and twice in C4, one in mesophyll cell and second in bundle sheath cell. Anatomy में आपको difference नजर आ रहा है. C3 plants में only once carboxylation का process होता है और C4 में twice, एक उनके mesophyll cells में और दूसरे उनके bundle sheath cell. Now alternative mechanism of carbon fixation in C4 plants like sugarcane and corn. C4 plants, the plants that initially make a 4-carbon compound, oxaloacetate, and then release carbon dioxide to rubisco and leaf cell. In plants ko, C4 plants, isliye kaha jata hai, ye apni mesophyll cells mein, carboxylation mein, pehla compound C4, jisme 4-carbon atoms paaye jate hain, oxaloacetate banate hain, phir usko pump karte hain, deeper layer, deeper cells, bundle sheath cells mein. These plants are called C4 plants because the first product of carbon fixation is 4-compound oxaloacetate. First C4 plants use an alternative enzyme for the first step of carboxylation. जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने mesophyll cells में एक alternative enzyme रखा हुआ है PEP carboxylase. ये उसके लिए लिखा गया. This enzyme is called PEP carboxylase, phosphophenol pyruvate carboxylate, and it has no oxygenase activity. जिसकी वजह से photorespiration का process C4 plants में नहीं होता. और जैसा कि मैंने अभी बताया कि उनकी leaf anatomy में दो cells पाए जाते हैं, upper cells mesophyll cells, inner cell bundle sheath cell. Now the second C4 plants have a specialized leaf anatomy with two different types of photosynthetic cells. Mesophyll cells where PEP carboxylase is located and bundle sheath cells where rubisco is located. Now look at here. This is the leaf anatomy of C4 plants. आपको एक ऊपर upper cell नजर आ रहा है और एक lower cell नजर आ रहा है. This is called mesophyll cell and this is called bundle sheath cell. आपको leaf anatomy नजर आ रही है C4 plants की. Upper cell is called mesophyll cell, the lower cell is called bundle sheath cell,
and look at the enzyme. The first enzyme is PEP carboxylase and the second enzyme is Rubisco. This is the reason carboxylation occurs twice in C4 plants. और इनको C4 plants इसलिए कहा जाता है कि अपने initial carboxylation में ये एक 4 carbonic compound oxaloacetate बनाते हैं. Let's see. Carbon dioxide enters the mesophyll cells. Carbon dioxide enter हुआ C4 plant के mesophyll cells में. Here, this carbon dioxide is added to PEP, a 3 carbonic compound known as phosphoenol pyruvic acid. यहां पे PEP carboxylase ने carbon dioxide को add कर दिया एक 3 carbonic compound phosphoenol pyruvic acid में. Phosphoenol pyruvic acid में. उसके बाद जो पहला प्रोडक्ट हमें मिला C4 प्लांट्स में, इट इज OAA, ऑक्सिलोएसिटिक एसिड, अ 4 कार्बोनिक कंपाउंड. तो ये इनकी इनिशियल प्रोडक्ट थे जो 4 कार्बन वाले ऑक्सिलोएसिटेट से स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से इनको C4 प्लांट्स कहा जाता है. नाउ दिस ऑक्सिलोएसिटेट इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड. दिस oxaloacetate is converted into malic acid, a 4 compound. In this state, 1 NADPH is oxidized to NADP. And then they pump this malic acid to inner bundle sheath cell. Malic acid is pumped into inner bundle sheath cell. And here, the malic acid undergo decarboxylation, loses carbon dioxide and creates a 3 carbonic molecule pyruvate. And in this step, the NADP is reduced to NADPH. अब ये pyruvate recycle होगा, वापस जाएगा mesophyll cell में. And it again creates PEP, phosphoenol pyruvate, by consuming ATP. तो अब देखें यहां पे PEP दोबारा regenerate हो गया, आखरी स्टेप में ATP consume हुआ है. मगर यहां पे ये जो carbon dioxide आपको नजर आ रहा है, जो कि malic acid से produce हुआ है, see here, this carbon dioxide goes to Kelvin cycle and here it produces glucose, sugar. So that was the C4 pathway in C4 plants, alternative mode of CO2 fixation. एक और alternative mode पाया जाता है केम प्लांट्स में, crassulation acid metabolism, CAM. CAM stands for crassulation acid metabolism, is a method of carbon fixation evolved by cane plants in dry regions. The cane plants are members of family Crassulaceae, succulent plant which store water in their leaves, stem or both. Cane plants, dry desert area ke plants se, inko succulent plants bhi kaha jata hai, kyunki inka stem fleshy hota hai, wo water store karte hain. Ab inme ek alternative mechanism paya jata hai कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का. ये रात के वक्त स्टोमेटा ओपन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करते हैं और दिन में अपने वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं. लेकिन रात के वक्त जो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट किया है, दिन के वक्त उसको यूज करके अपने केल्विन साइकिल को स्टार्ट करेंगे. सो देयर स्टोमेटा इन लीव्स रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे टू रिड्यूस रेट ऑफ transpiration, but open at night to collect carbon dioxide. Cane plants के stomata रात को open होते हैं ताकि वो carbon dioxide collect कर सकें और दिन को अपना stomata close कर देते हैं to reduce rate of transpiration. Cane plants take in CO2 at night and store it in the form of 4 carbonic acid, carbamylate. ये रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करेंगे, उसको एक पहले ऑक्सिलोएसिटेट में, फिर उसके बाद एक 4 कार्बोनिक मैलिक एसिड में स्टोर करेंगे.
Then the malate is released during the day where it is consumed for the process of Kelvin cycle. और जब दिन का टाइम होगा तो वेक्यूल से ये मैलिक एसिड बाहर रिलीज करेंगे मीजोफिल सेल में और फिर वो प्रोसेस होगा केल्विन साइकिल के लिए. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ केम प्लांट्स? दे आर डेजर्ट प्लांट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एरिड रीजंस लाइक केक्टा एंड पाइनएप्पल. तो सबसे लास्ट में हम ये केम प्लांट्स का अल्टरनेटिव पाथवे डिस्कस करेंगे. आप देखिए नाइट के टाइम पे इन द नाइट देयर स्टोमेटा आर ओपन एंड लुक इन द डे टाइम देयर स्टोमेटा आर क्लोज. हियर द स्टोमेटा आर ओपन एंड हियर द स्टोमेटा आर क्लोज्ड. इनके मीजोफिल सेल्स में दो किस्म के एंजाइम पाए जाते हैं, एक पीईपी कार्बोक्सिलेज और दूसरा रुबिस्को. अब देखिए रात का टाइम है तो उन्होंने अपने स्टोमेटा ओपन कर दिए ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड हासिल कर सके. एंड देन दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू फॉस्फोइनोल पाइरूवेट अ थ्री कार्बोनिक कंपाउंड. एंड व्हाट इज फर्स्ट प्रोडक्ट इन केम प्लांट्स? ऑक्सलो एसीटेट फोर कार्बोनिक कंपाउंड. देन ऑक्सलो एसीटेट इज कन्वर्टेड इनटू मैलेट एंड ड्यूरिंग दिस स्टेप द एनएडीपीएच इज ऑक्सीडाइज्ड टू एनएडीपी. देन द मैलेट is stored in vacuole. तो रात के वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करते हैं, पहले पीपी से फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से वो ऑक्सीजन ऐड करके ऑक्सलो एसीटेट बनाते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं मैलेट में और रात के वक्त मैलेट को स्टोर कर देते हैं कहां पे? वेक्यूल पे. और जब दिन का टाइम होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट द वेक्यूल रिलीजेस दैट मैलेट. दिन के टाइम पे वो मैलेट वेक्यूल से बाहर आएगा एंड अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड आल्सो क्रिएट अ थ्री कार्बोनिक मॉलिक्यूल नोन एज पाइरूवेट. एंड इन दिस स्टेप एनएडीपी इज रिड्यूस्ड टू एनएडीपीएच एंड दिस पाइरूवेट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू पीईपी फॉस्फोइनोल पाइरूवेट बाय कंसम्पशन ऑफ 1 ATP. Then it is further converted into PGA, 3-phosphoglycerate. अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, it is added to rubisco, it is added to regulose bisphosphate by enzyme rubisco. अब देखें ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी एड किया गया केल्विन साइकिल में, इस PGA को भी एड किया गया केल्विन साइकिल में in order to make sugar. So that was the alternative mechanism can plant. That's all about today. Thank you.